पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी एक साल का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने इसके लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीजेपी मिशन 2250 के तहत पश्चिम बंगाल में प्रचार करने वाली है। चुनावी रणनीति बनाने में कहीं कोई चूक न रहे और इस मामले में भाषा अड़े ना आए, इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष बांग्ला भाषा सीख रहे हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष को बाहरी कहा था, इसलिए अमित शाह अब बांग्ला भाषा सीख रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने एक शिक्षक भी रख रखा है। और वास्तव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माँ माटी और मनुष्य का नारा बुलंद करती है रहती हैं। ऐसे में ममता को चुनौती देने के लिए ये बीजेपी चीफ की बड़ी कोशिश है। भाषा कहीं इस रणनीति में आड़े ना आए, इसके लिए शाह बांग्ला सीख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह बांग्ला और तमिल सहित देश के अलग अलग प्रदेशों में ये बोली जाने वाली चार भाषाएं सीख रहे हैं। बंगाल में अपनी पार्टी को और मजबूत करने की तरफ शाह का ये पहला बड़ा कदम है। तो अमित शाह की तरफ से बांग्ला सीखी जा रही है ताकि बीजेपी का जो मिशन है 250 उसको वो बंगाल में पूरी तरीके से साबित कर सकें।